मालेगांव उर्दू किताब मेले की शोहरत चारों तरफ फैलते जा रही है और लोग बाहर से भी आकर शरीक हो रहे हैं। तो हमारे साथ भी बाहर से कुछ लोग आए हैं, आइए हम उन्हीं से पूछते हैं। सर, आप कहाँ से आए? जी, मैं वसीम अकील शाह और मैं आया हूँ शहर जलगांव से। अच्छा जी, किताबें ही ख़रीदने के लिए। क्या जो आप किताब सोचे थे, क्या वो किताब आपको मिली? जी हाँ, मैंने दरअसल आने से पहले एक लिस्ट बनाई थी और जब मैं यहाँ पहुँचा तो उस लिस्ट के मुताबिक मुझे तमाम किताबें तो मिल गई, लेकिन साथ में अपनी कुछ ऐसी किताबें पसंद की थी, कुछ ऐसी थी वो जो मतलब कहीं मेरे लाशऊर में थी और वो सामने दिख गई। तो बहुत सारी ऐसी किताबें भी मैंने ख़रीद ली जो मेरी लिस्ट में नहीं थी और ऐसा हो गया मेरे किताबों में इजाफा हो गया। हाँ। यानी जो सोच कर आए थे उससे कोई कहीं ज़्यादा पाया। इसका मतलब है आप ना किसी पेशे से जुड़े हैं? तो आप? जी, मैं प्राइमरी टीचर हूँ सर। अच्छा अच्छा। मैं एज ए असिस्टेंट टीचर मुंबई कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कहाँ से आए हैं और क्या सोच कर आए हैं? जी, मेरा नाम शेख सहमद और जलगाँव से आना हुआ है। अब चूँकि जैसे आपने तारुफ़ में कहा कि उर्दू किताब मेले की शोहरत हर चार सू फैली हुई है, तो उसी मुनासिबत से हम यहाँ कुछ किताबें और यहाँ की रौनकें देखने के लिए आए थे, महसूस होने के लिए आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचे थे उससे कदरे बेहतर ही हमने यहाँ पर पाया। बल्कि मर्दों के साथ यहाँ पे ख़वातीन की तादाद, जिस तरह से स्कूलों में तालिबात की तादाद ज़्यादा हो रही है, उसी तरह से उर्दू मेले में भी ये चीज़ हमको देखने को मिली है। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि आइंदा नस्ल जो है इंशाअल्लाह उर्दू बोलचाल और उर्दू हमारी तहजीबी रंगत जो पुरानी होती थी, इंशाअल्लाह वो बहाल होगी। अच्छा, मालेगांव से के ताल्लुक़ से आपको पहले कभी कोई इल्म? जी, मालेगांव के ताल्लुक़ से आपको इससे पहले कभी कोई इल्म था कि मालेगांव शहर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ की ज़बान क्या है? जी, मालेगांव मेरा ददियाल है। अच्छा। और मेरे वालिद यहीं पर रहे और यहीं पर मदफून है। जी, अभी गुज़िश्ता माह मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, हमीद शेख साहब, और यहाँ के एक अदबी हलकों में उनका एक अच्छा असर रहा है। ड्रामा निगार रहे, अभी एक किताब उनकी आने वाली थी, उससे कबल ही उनका जो है इंतकाल हुआ। तुरफ़ा तमाशा एक बेहतरीन उनकी किताब ड्रामों की लिए उन्होंने तरतीब दी थी, लेकिन अल्लाह को मंजूर। तो मालेगांव शहर जो है मेरे लिए कोई नया नहीं है, मेरा ददियाल है और देखा भला है बचपन से। तो नाज़रीन, हमें बातों बातों में ही पता चला कि जयान शेख साहब जो है हमारे शहर के एक बेहतरीन ड्रामा निगार, एक बेहतरीन ड्रामा एक्टर हमीद शेख साहब के फर्जंद हैं। और इस तरह से जिस तरह से मेले में लोग बिछड़ते हैं, हमारी किस्मत है कि हमीद शेख साहब के फर्जंद आज हमें मेले में मिले। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, यहाँ देख रहे हैं कि मालेगांव उर्दू किताब मेले में बहुत से जगह से आ रहे हैं, ख़ासतौर से जलगांव, औरंगाबाद, धुलिया, मुंबई, नासिक, पूना से बहुत से लोग आ रहे हैं और अपनी तशनगी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ एक और मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका ताल्लुक़ कहाँ से? मेरा ताल्लुक़ जलगांव से है। हाँ। साजिद मेरा नाम है। अच्छा। मैं प्राइमरी टीचर हूँ। किताब मेले के ताल्लुक़ से मालूम है, पहली बार मालेगांव इस किताब मेले में आना हुआ। एक चीज़ ये दिखने में आई कि बहुत से लोग किताब मेले में घूमने की गर्ज से आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ किताबें अपने साथ ले जा रहे हैं। वो होता यह है कि चलो कुछ लोग घूमने के हिसाब से आए, लेकिन पता नहीं कौन सी किताब इंसान की ज़िंदगी को बदल दे। एक अच्छी चीज़ है और अल्लाह से दुआ है कि जो किताबें यहाँ से लोग ख़रीद रहे हैं, वैसे भी ये चीज़ें हर जगह होना चाहिए, किताबों के मेले लगना चाहिए ताकि लोगों में किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो। क्योंकि वैसे तो मुसलमान हम तालीमी एतबार से हमारा जो गिराफ है बहुत नीचे गिर चुका है और ये सब तरीके हैं कि तालीम का फ़रोग पाए। बड़ी खुशी हुई कि बहुत बूढ़ी बूढ़ी औरतों को भी देखने में आ रहा है कि कुछ ना कुछ किताबें वो ले जा रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक खुशी हुई इस चीज़ को देख कर। इंशाअल्लाह हम भी हमारे शहर में ये पैगाम पहुँचाएँगे कि हमारे यहाँ भी कोई ऐसा किताब मेला हो जिससे हमारे शहर के लोग तालीम से करीब हों। हम आपसे एक गुजारिश भी करना चाहेंगे, आप अपने शहर में एक मेला अरेंज करना चाहते हैं लेकिन पास में अभी मौजूद है, तो उसमें शिरकत के लिए क्या आप पैगाम देना चाहेंगे अपने शहर वासियों के लिए? असल में मैं एक टीचर तंजीम का एक ज़िम्मेदार भी हूँ और तमाम स्कूलों से मेरे ताल्लुकात हैं। मैं कोशिश करूँगा कि हर हेड मास्टर तक ये पैगाम पहुँचाऊँ कि नहीं स्कूल के बच्चे तो कम से कम स्कूल के स्टाफ यहाँ पर एक हाज़री दे ताकि उनके मुताले में इजाफा हुआ तो कहीं ना कहीं उनका मुताला बच्चों को फ़ायदा पहुँचाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बहुत से मालेगांव शहर बैरून शहर से जो है एक किताब मेले में मिलने आए देखने आए हैं और उनसे हमारी खुशकिस्मती है मिल रहे हैं और उर्दू किताब मेले के ताल्लुक से जान रहे। सर इस किताब मेले में आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या सोचा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले ये है कि मेरा नाम तब्रेज़ अख्तर है और मैं दर्स तदरीस के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे आना यहाँ पर लाजमी था। मालेगांव किताब मेले में आकर सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मालेगांव में जो किताब मेला लग रहा है ये इसका हक़ है, क्योंकि जब हम यहाँ से दरमियान में एक वक्फ़ा लेने के लिए बाहर गए तो मैंने ये बात देखी कि हर उम्र की खातून व मर्द यहाँ से किताबें लेकर ख़रीद कर जा रहे थे। तो ये बात मेरे दिल को छुई और मैंने ये कहा मेरे दोस्तों से कि वाकई ये लोग हक़ रखते हैं कि यहाँ पर किताब मेला लगे और ये वाकई एक तहरीक है और अल्लाह इसको कायम दायम रखे, आमीन। यहाँ कुछ नौजवान लड़के भी हैं जो इस किताब मेले में शरीक है। क्या सोचकर आप आए हो? आप आज का ज़माना मोबाइल का और आप किताब मेले में क्यों आए हो? जैसे कि देखते कि हर कोई मोबाइल चलाता है तो किताबों से दूर हो गए लोग, तो किताब पढ़ना भी एक अच्छी बात है, तो इसी वजह से लोग आज किताब खरीदना चाहते हैं। तो इस मालेगांव में ये मेला लगा, इसकी यही अहमियत है कि ताकि लोग किताबों से जुड़े। आपने कौन सी किताबें खरीदी? मैंने अभी तक मेरा पहला दिन है, मैं अभी पहली बार आया, अभी मैं खरीदने जा रहा हूँ। खरीदने आपने कोई ऐसी लिस्ट कोई फहरिस्त तो बनाई है कि मुझे ये लेना है या कोई सोच है आपके उसमें? नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं मेरी कि मैं ये टाइप की किताब लूँगा, बस मैं देखना चाहता हूँ कौन सी अच्छी किताब लगी वो परचेस कर लूँगा। और हमारे साथ जो है शकील तहजीबी सर है जो एक टीचर भी है लेकिन एक राइटर की भी हैसियत से अपनी शनाख्त तो बनाए हुए हैं। सर रिसाइट टुडे में सबसे पहले आपका इस्तकबाल है, आपके पास जो किताबें हैं वो किन मौज़ूआत पर है? मेरे पास जो किताबें जो है वो बच्चों के अदब पर है, बच्चों के अदब पर है, कुछ सीरत पर है और कुछ बच्चों के अदब की कहानियाँ हैं। अच्छा, इन किताब की कीमत क्या है? हमारे यहाँ पर जो किताब कीमतें जो है 3 रुपया है, 5 रुपये है, 10 रुपया है किताब कीमत है, ताकि बच्चों की क़ुव्वत ख़रीद के अतबार से रखी गई है ताकि आम बच्चा भी ख़रीद सके, पढ़ सके, उसका मकसद है हमारा। अच्छा, किताब को इतनी कम कीमत में आप दे रहे हैं तो क्या मवाद और क्या मौजू है इस किताब के अंदर? इस किताब के अंदर सीरत है, अखलाक व आदात हैं इसके अंदर, जैसे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नामी किताब है और इसके अंदर जो है माँ बाप की खिदमत, ज़रूरतमंदों की मदद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात को इस छोटे से किताबचे में शामिल किया गया है ताकि बच्चे उससे तहरीक पा सके, सीरत को अपना सके, ये मेरा मुद्दा है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपको उर्दू किताब मेले में इस्तकबाल है। सर आप कहाँ से आए? हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज सिल्लूड ज़िला औरंगाबाद, यहाँ का स्टाफ है जी, हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का। और ये जो किताब मेला है बेहतरीन अंदाज में जो है तो इसका नज़म ज़ब्त रखा गया है और कई तरह की किताबें जो है तो यहाँ दस्तियाब है। इससे पहले हमने मुंबई औरंगाबाद के किताब मेले में भी विजिट दी है, लेकिन उससे बेहतरीन अंदाज में जो है तो यहाँ पे नज़म ज़ब्त दिख रहा है और किताबों की तादाद भी लातादाद किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। सर जो किताबें आप ख़रीदने के लिए आए ये स्कूल के लिए थी कि इसमें कुछ पर्सनल भी थी आपकी? ये स्कूल के लिए भी खरीदी गई, लाइब्रेरी के लिए, और ज़ाती भी जो है तो खरीदी गई। तो सर आप आने से पहले जो लिस्ट तैयार की थी एक फहरिस्त किताबों के, तमाम किताबें मिल गई कि अभी कुछ बाकी? जी तकरीबन मिल चुकी है, हमने लिस्ट तैयार करके आए थे वहाँ से, उसके मुनासिब से किताबें मिल चुकी है, कुछ बाकी है जो अभी देख रहे हो। सर आपकी फहरिस्त के अंदर बच्चों के हिसाब से किताबें हैं कि असातिज़ा के हिसाब से भी? तमामी ग्रुप के लिए किताबें यहाँ मौजूद हैं और बड़ी खुशी हुई कि बच्चों के लिए भी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, बड़ों के लिए भी मौजूद है। उर्दू किताब। यहाँ के इंतज़ाम को देखकर 24 यहाँ का इंतज़ाम कैसा लगा आपको? सब तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है और मालेगांव वालों का कहना क्या है कि मुंतज़िमीन का बड़ा अच्छा नज़्म ज़ब्त रखा है, बहुत खुशी भी है। काबिल मुबारकबाद है मालेगांव वाले, महाराष्ट्र के लिए जो है तो एक अमली नमूना उन्होंने पेश किया है। बहुत ही मुबारकबाद की बात है यहाँ की अवाम की, यहाँ की जो भी जिम्मेदारान है, और बहुत ही खूबसूरत नज़्म ज़ब्त है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो इस तरह से मालेगांव में उर्दू किताब मेला लगते रहेगा। जी जी बिल्कुल, हम भी यही चाहेंगे कि इसके बाद भी हमारा नंबर लग जाए। सर आप कुछ कहेंगे? नहीं, बस जो सर ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे उन्होंने कहा कि काबिल मुबारकबाद है मालेगांव शहर, क्योंकि मालेगांव शहर की तरफ वैसे भी हिंदुस्तान और ख़ासतौर से महाराष्ट्र अगर हम कहें तो उर्दू के ताल्लुक़ से एक बहुत पुरुमीद निगाहों से महाराष्ट्र की तरफ मालेगांव की तरफ देखा जाता है। और जहाँ तक कैलीग्राफी वगैरह जो हम बोर्ड देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी तहजीब में सांस ले रहे हैं। कम से कम जो शाम से हम आए हैं, सुबह से घूम रहे हैं, तो यहाँ की जो तहजीब और बोर्ड साइन बोर्ड जो उर्दू में लिखे हैं हमको उसके ऊपर एक तरह का एक फ़ख्र भी हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको एक बात बता दें कि अखबार बीनी का जो मुताले है, यहाँ पे चाय की स्टॉल पे बैठा हुआ एक मज़दूर, उसके हाथ में आपको अखबार दिखेगा और मुल्की सतह के जो न्यूज़ होती है उसके ऊपर वो बैठ के अपने आपस में बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। साथ में एक मज़दूर आपको मिलेगा। और यहाँ पे जितनी भी लाइब्रेरी है जहाँ पे असातिज़ा इकराम और एक मतलब उर्दू दोस्त से ताल्लुक़ रखने लोग वहाँ मौजूद मिलेंगे, वहाँ पे आपको मेहनतकश मज़दूर भी मिलेगा। और यही शान खूबी है मालेगांव में दूसरी मरतबा किताब मेला का इनेकाद किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करें। शायकीन कुतुब और कारीन कुतुब की यहाँ पर कमी नहीं है। हमारे साथ इल्मुल-उदा शेख साहब भी मौजूद है जो यहाँ पर हमें एक शौकी किताब के स्टॉल में मिले हैं। सर आप किस मौजू पर किताब तलाश कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल देख रहा हूँ। जैसे अभी एक किताब मेरे हाथ में बेगुनाह कैदी, और ये जो कुछ केसेस चल रहे हैं मुसलमानों के ऊपर हमलास के ताल्लुक से, और कुछ ऐसे जो पॉलिटिकल भी है और लीगल भी है, उस मौजू पर मैं कुछ किताबें देख रहा हूँ। शुक्रिया सर। वाह कितना है सर। नाज़रीन मालेगांव उर्दू किताब मेले का चर्चा ज़ोर व शोर से जारी है और उसका चर्चा जो आसपास के शहरों में भी चल रहा है। और हमारे साथ बाहर से कुछ असातिज़ा हैं, कुछ लोग हैं जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, वो आए हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। सर सबसे पहले तो उर्दू किताब मेले में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। आप कहाँ से आए और किस लिए आए? से आए मैं जो है इकरा गर्ल्स उर्दू एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। अच्छा, हमारे पास लाइब्रेरी उर्दू लाइब्रेरी भी है, तो अब वो ये तो नाम सुने हमने, बहुत रोज़ाना पेपर में पढ़ते भी रहते। अच्छा, तो वो हिसाब से हम अपने जो लाइब्रेरी है उसके लिए किताबें खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा सर, आप तो माशाल्लाह किताब लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, तो आपको यहाँ आपकी लिस्ट में कौन सी किताबें कम थी, क्या आप वो तलाश करने आए हैं? हाँ, मैं अभी यहाँ पे जो खरीदे हेमंत करकर एक किताब, अच्छा, उर्दू में हिंदी में खरीदी, बहुत अच्छी लगी वो। हाँ, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा लगा हमें, और वो सारी किताबें अभी खरीदना है और सारी स्टॉल पे हमको जाना है अभी। तो आप अभी कब से आए हैं और कितना वक्त हुआ? और कम से कम हमको 20,000 रुपये की किताबें खरीदना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी और कौन से उनवान पे टाइटल पर आप खरीदना? सभी मकतबे फिक्री किताबें खरीदना, जैसा नजर आएगा वैसा लिखेंगे, जो अपने किताब पढ़ जाएंगे वो लेंगे। तो यहाँ मनमाड़ के लोग जो है यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी के लिए अपनी किताब को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ खरीदने आए, और उनकी तमन्ना है कि जितनी भी किताब हमको मिलेगी जो हमारे मौजू की रहेगी, जो हमारी पसंद की रहेगी, वो यकीनन और ज़रूर खरीदेंगे, ऐसी तमन्ना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यहाँ पर शौकी किताब घर जो है इसके अंदर हमको एक अच्छी से बहुत सारी तारीख़ी किताबें मिली, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ मालेगांव वालों का कि ये मेला जो बढ़ाया हुआ है, इससे हमारे जैसे छोटे देहातों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला उर्दू को। और एक उर्दू ज़बान मीठी ज़बान बोल के ये एक नारा दिया जाता है, तो ये आज यहाँ साबित हो गया। तो उर्दू ज़बान एक मीठी ज़बान है, उसका एक एहसास जागा है, और आस पास के इलाकों में जो छोटे से गाँव है, जो छोटे से देहात है, वहाँ से हमारे उर्दू कारीन आए हैं और उर्दू की मोहब्बत में उर्दू किताब खरीद रहे हैं और उर्दू को जिला बख्श रहे हैं। हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं।